नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे राजदेव रजवाल साहब। जयदेव रजवाल साहब, रजवाल साहब आपका स्वागत है। और बड़ी बात यह है कि जब से कांग्रेस ने न्याय यात्रा शुरू की है, कहीं ना कहीं भाजपा के खेमे में एक डर सा पैदा हुआ है। सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई नहीं है इसमें। डर किस चीज़ का होगा? यात्रा तो उन्होंने पहले भी निकाली, तो उसका परिणाम आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जो लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की हालत अच्छी नहीं होगी, तो रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। आप रही बात के ये कर क्या रहे हैं, ये तो राजनीति है, तो इन्होंने कुछ ना कुछ तो अपना एक्टिविटीज़ तो करनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, वी आर नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग, और हम इलेक्शन मोड में हैं। इलेक्शन में जो आने वाले दिनों में जो हमारी जनरल इलेक्शंस हैं, उसकी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिलो जान से जुड़ा हुआ है। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार हम लोग 400 प्लस की पार करके मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर मामलों के प्रभारी आए हैं मिस्टर सोलंकी, कांग्रेस के भारत सिंह सोलंकी। उनका कहना है कि ये जो जम्मू और लद्दाख की छः सीटों पर जो इंडिया अलायंस, इंडिया ब्लॉक है, वो कब्जा करेगी, यानी छः की छः सीटें वो जीतने वाले हैं। नहीं, वो अगर वो अपना एक ख्यालू प्लाब बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं ना, वी कैन नॉट स्टॉप देम। वो छः की छः सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे और वो जीतेंगे, ऐसा अगर वो सोच रहे हैं तो उनकी सोच को हम लोग रोक नहीं सकते। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की भी बात करें, जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म किया है, पिछले इलेक्शंस को भी आप देख सकते हैं, अभी जो लद्दाख में भी, जो करगिल में इलेक्शंस हुई थी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक वहाँ पे इंक्रीज हुआ है, कश्मीर में हमारा वोट बैंक जो इंक्रीज हो रहा है, और जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में तो 50% से ज़्यादा, 51% का जो टारगेट भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में लेकर हम लोग चल रहे हैं कि अगर ये इकट्ठे भी होते हैं तो उसको हम लोग अच्छे तरीके से पार करेंगे। लेकिन रजवाल साहब वो तो कहते हैं आप चुनाव इसलिए नहीं करवा रहे कि आपकी हालत पतली है, विधानसभा चुनाव इसलिए नहीं करवा पा रहे हैं। चुनाव क्यों नहीं करा रहे? सारी दुनिया को पता है कि मार्च अप्रैल में पार्लियामेंट के चुनाव है, और इवन वी आर एक्सपेक्टिंग कि मे बी के अगर असेंबली के साथ में हो जाए तो दैट विल गुड एनफ, बिकॉज भारतीय जनता पार्टी फुल इलेक्शन मोड में चल रही है। एंड इलेक्शन चाहे कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी उसको सीरियसली लेती है और जीतने के लिए हम लोग उतरते हैं। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी गुड रिजल्ट्स इन दिस 2024 के इलेक्शन। गुलाम नबी आजाद की स्टेटमेंट है कि एक साथ करवाने चाहिए, क्या हो सकता है, संभव है? उनको ऐसा लगा होगा तो उन्होंने बोला है, लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर इकट्ठा करवाते हैं तो दैट्स अ वेलकम स्टेप, और भारतीय जनता पार्टी असेंबली के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। एक चीज़ है कि कहीं ना कहीं आपने गुजर बकरवाल समुदाय को नाराज कर दिया कि पहाड़ी भाषियों को आपने ये वादा किया था कि आपको एसटी का स्टेटस देंगे, और शायद यही कारण है कि कल उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस गुजर बकरवाल की कॉन्फ्रेंस एड्रेस की और उनके वोट बैंक को अपनी ओर, अपने खेमे में लेने का प्रयास किया। देखिए, गुजर बकरवाल की बात करें या पहाड़ियों की अगर हम लोग बात करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई किसी तरह का मतभेद नहीं है। ये एक परसेप्शन सेट करने की कोशिश कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी जो जमाते हैं। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि वो आज इतना परेशान हो गए हैं कि ये वोट जो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं आता था, आज ये लोग आज हमारे पार्टी कार्यालय में देखिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में देखिए कि जिस तरह से भारी मात्रा में ये लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, दे पीपल आर स्केयर्ड ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज़। और ये जो एक्टिविटीज़ भारतीय जनता पार्टी में चल रही हैं, लोग मोदी जी को अपना नेता मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी को इसकी जो आइडियोलॉजी है उसको लेकर वो साथ में चल रहे हैं, तो दे आर स्केर्ड कि ये कैसे, ये लोग जो हमारा परमानेंट वोट बैंक होता था, आज ये शिफ्ट मार गया उसकी तरफ, तो लेट्स मेक सम कन्फ्यूजन इन द मार्केट। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते तो कन्फ्यूज हिम, तो कुछ ना कुछ तो अपने को फायदा ही होगा। दिस इज़ वॉट नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड अदर पोलिटिकल पार्टीज आर डूइंग। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब एक बार बोल चुके हैं कि आपकी रिजर्वेशन में से, होम मिनिस्टर ने उसके ऊपर बयान दिया, पार्लियामेंट में बोला है कि उसके उनकी जो रिजर्वेशन उनको बिना छेड़े हुए उनको मिलेगा, उसके बावजूद भी कंफ्यूजन क्रिएट करने का, एंड दिस इज व्हाट दे पीपल हैव डन सिंस इंडिपेंडेंस। आप वैसे दे क्यों नहीं रहे पहाड़ी ट्राइब्स को एसटी का स्टेटस, क्यों नहीं दे रहे?
नहीं ये प्रोसेस में है, यू हैव सीन दैट कि पार्लियामेंट और जिसमें इसमें हुआ है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि जल्दी हो जाएगा वो भी। कहीं ऐसा ना ना खुदा ही मिला ना विशाले। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दे विल डेफिनेटली गेट द वे दैट आवर गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस्ड, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट, और उनका हक बनता है उनका। तो अभी अगर आप असेंबली सीट्स की भी बात करें तो उसमें भी किस तरह से रिजर्वेशन उनको मिली है, यू हैव सीन दैट जब डिलिमिटेशन के बाद जब उनकी सीट्स की किस तरह से मिली, पहले कहाँ थी ये, पहले तो ये मिलती ही नहीं थी, आज अगर मिल रही है तो प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता करके सब चीजें मिलेंगी। और वट एवर बीजेपी हैज कमिटेड, वट एवर द गवर्नमेंट हैज कमिटेड, वी हैव ऑलरेडी डिलीवर दैट, और आने वाले दिनों में भी जो रह गई है तो उनको भी आने वाले दिनों में डिलीवर करेंगे। समूचे भारत में आप ओबीसी समुदाय के साथ खड़े हैं और जम्मू कश्मीर में भी आप अर्बन लोकल बॉडीज के हैं, पंचायतों में वहां पर आरक्षण देने वाले हैं, क्या कि ये नया फार्मूला इख्तियार किया है? देखिए ऐसा है ना, आप सिर्फ ओबीसी की बात नहीं करें, ओबीसी को समाज को जिस तरह से, अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो मात्र 2% भी नहीं था, और जितना उनको हक मिलना चाहिए था वो हमेशा लड़ते रहे, और आज मोदी जी ने जिस तरह से वादा किया और जिस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो पीपल आर हैप्पी, ओबीसी समाज जो है वो बहुत खुश है कि कुछ ना, जो कुछ भी नहीं था तो भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने हमको ये रिजर्वेशन में हमें जो हमारा हक है वो हमको मिल रहा है। और दूसरा, ये सिर्फ ओबीसी की बात नहीं है, यू टॉक अबाउट वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज, बाकी और लोगों की बात करें तो क्या मिला इन लोगों को आज तक? आज अगर हमारी असेंबली में कश्मीरी पंडित के लिए 2 सीटें को नॉमिनेशन रिजर्व किया, वहाँ पे अगर आप बात करें पीओजेके वालों की, उनकी भी एक सीट को किया, ये कितना वेलकम स्टेप है। मतलब आज तक कभी किसी सरकार ने ऐसा सोचा ही नहीं कि ये लोग हैं नहीं हैं, क्या हैं, कि इनको साथ में लेकर चलना है नहीं चलना, दे नेवर थॉट अबाउट दिस। आज ओबीसी की बात करें, एससी एसटी की बात करें, किसी भी एरिया की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने सब चीज़ों को देखते हुए सबको न्याय मिले, सबका साथ सबका विकास का जो फार्मूला है उसको लेकर ही हमारी जो सरकार है वो लेकर चल रही है। लेकिन पीओजे के रिफ्यूजी अभी भी खफा है, उनका कहना है कि ड्यूशर जो मिलना चाहिए वो मिला नहीं है। नहीं, ऑब्वियसली अब देखिए ऐसा सीट से कुछ नहीं बनता। देखिए ऐसा तो होता ही है ना कि एक आदमी को जिनको आज तक कभी कुछ मिला ही नहीं, तो आज तक तो मिला ही नहीं उनको कभी, एक सीट हो जा कुछ भी सीट कभी उनकी हुई नहीं, तो आज अगर एक सीट भी है तो ऑब्वियसली इट्स अ वेलकम दैट स्टेप। और वो तो ऑब्वियसली हर आदमी की इच्छा होती है कि ज़्यादा मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन उनका कहना है कि कश्मीरी पंडितों की, विस्थापित कश्मीरी तो कश्मीरियों की तादाद कम है, लेकिन उनके लिए 2 सीटें रखी गई, ये उनका तकरार है। नहीं नहीं, उनको उनको खुश होना चाहिए कि आज नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इन चीजों को कंसीडर किया, पहले तो कंसीडर ही नहीं किया जाता था ना ये, तो अगर आप इस सीट्स की अगर बात करते हैं तो पहले तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि पीओजेके की बात करें या कश्मीरी पंडितों की बात करें, तो सब लोगों ने एक्सप्लॉइट ही किया वोट बैंक के लिए या किसी चीज़ के लिए, लेकिन आज उनको मिल रहा है तो उनको वैसे तो सब लोग खुश है। पीओजेके के बहुत सारे लोग जो जिन्होंने धन्यवाद किया हमारे पार्टी ऑफिस में, दिल्ली में, हर जगह पे पीपल आर वेलकमिंग दिस स्टेप। अगर कोई छिटा पुटा कोई किसी के मन में है तो आप हर आदमी को तो आप सेटिस्फाइड नहीं कर सकते ना, 100% तो कुछ भी नहीं कर सकता कोई भी आदमी, बट ओवरऑल लोग खुश हैं इसके साथ। रजवाल साहब, आपने 2024 के चुनावों का मुख्य बिंदु जो है वो आपने राम मंदिर को चुना है, आप पूरा कंसंट्रेट उसी पे कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसको ज्यादा से ज्यादा एग्जेजरेट किया जाए, ये हमारा रूटीन का वर्क है, रूटीन का वर्क है। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, राम मंदिर की अगर बात करें तो राम मंदिर कब हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था, राइट फ्रॉम द जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से 370 की बात करें, राम मंदिर की बात करें, ये हमारे कोर इश्यूज रहे हैं। और ये आज अगर कोई बोलता है कि ये बड़ा इसको बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, नथिंग लाइक दैट, ये तो रूटीन में है। भारतीय जनता पार्टी पहले भी करती थी कि मंदिर में ही बनाएंगे, और बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते थे, आज उनको डेट भी मिल गई कि 22 तारीख को बन रहा है, जो लोग अक्सर कहते थे कि डेट नहीं बताएंगे क्या होगा ये कभी हो नहीं सकता, आज वो सारे की सारी जितनी भी ताकते हैं ना उनको लगता है कि यार ये पॉसिबल कैसे हो गया, ये पॉसिबल। और बाकी जो चल रहा है ये तो इट्स अ रूटीन वर्क,
हिंदू अगर उसको लेकर चल रहे हैं, गली गली मोहल्ले में प्रभात फेरियां निकल रही हैं, लोगों के घर घर को जा रहे हैं, इट्स नॉट ओनली के भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये लोग खुद बाहर आ रहे हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ तो है ही है, राम मंदिर के साथ है ही है, राम हर आदमी के मन में है। देर आर नंबर ऑफ, अभी एक वीडियो देखिए अपने हमारे बारामूला की एक कश्मीरी बच्ची ने जिस तरह से वो गाया है, तो आप उसको क्या बोल सकते हैं? अगर वो बच्ची गा सकती है, एक मुस्लिम बच्ची गा सकती है, तो नथिंग लाइक दैट। बाकी सब लोग इसको जय श्री राम का नारा तो हर जगह चल रहा है, गूंज रहा है, अगर आप सोशल मीडिया में देखें, मीडिया में देखें, लोगों के घरों में देखें, कीर्तन चल रहे हैं, सब चीज़ें चल रही हैं, तो ये एक आस्था की बात है, ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। चुनावी मुद्दा तो मैंने पहले कहा कि वो मैनिफेस्टो में तो हमेशा हमारा रहा और उसको पूरा किया, जो जो मैनिफेस्टो में आते हैं उनको पूरा करना है, दिस इज़ व्हाट पॉलिटिक्स इज। भारतीय जनता पार्टी अपने जो कोर इश्यूज है उनको पूरा कर रही है, वी शुड ऑल बी हैप्पी अबाउट दैट। रजवाल साहब, लोगों का यानी विपक्ष का ये कहना है कि जिस तरीके से मंदिर निर्माण अधीन है, प्राण प्रतिष्ठा करना, इट मींस कि आप उसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं नहीं, मंदिर बन गया होता, मुकम्मल कंप्लीट हो गया होता। नहीं 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 नहीं, देखिए देखिए, ऐसा है कि वो कहते हैं ना कि इनके पास कुछ रहा ही नहीं, अब इन सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 से भी ऊपर जा रही है, बहुत अच्छी सीट से यहां पे निकाल रही है, अब उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ आगे पीछे वो रोड़े अड़काने का काम ये करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सनातन धर्म के हिसाब से जो जो चीजें ऐसे ही थोड़ी है कि कोई मंदिर का निर्माण ऐसे ही हो रहा है, उसकी जो शुरुआत ऐसे ही हो रही, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरे का पूरा, पूरे के पूरे साधु समाज के साथ, पूरे का पूरा ग्रह और उनको सबको देख के ही स्टार्ट किया जा रहा है। अब जो लोग उसको बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल इश्यू, अरे पॉलिटिकल इश्यू क्यों नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तो कोर इश्यू यही था कि मंदिर वहीं पे बनाएंगे, और आज अगर मंदिर वहां पे बन रहा है तो वी शुड बी हैप्पी अबाउट दैट। आप कईयों को डेट के साथ प्रॉब्लम है, किसी को साथ है कि प्रधानमंत्री जी का, कि कौन है बीजेपी क्यों, अरे ऐसा क्या है, जब हमारा कोर इश्यू है तो मंदिर तो हम लोग सब लोग जाते हैं, सब लोग करते हैं, तो उस मंदिर में भी आप देखिए कि आज की डेट की ये पोजीशन है कि ट्रेन की टिकट्स मिलना मुश्किल हो रही है, उधर रहने की व्यवस्था क्या हो गया, इतनी पब्लिक वहां पे जा रही है, और खुशी की बात ये है कि आने वाला जो 2 महीने है वो भी लोगों ने रिजर्व कर लिए, तो ये आस्था है, आस्था के साथ तो जो चीज जुड़ी है, तो उसको अपोजिशन वाले कुछ भी बोले, स्पेशली कांग्रेस की अगर बात करें तो उन्होंने किया ही क्या, उनको तो ये जो अपीसमेंट पॉलिसी उन्होंने लेकर चली थी, तो उनका उसको उनका आज जो हाल है उसी की वजह से ही है। आज अगर लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं, लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं वो डिलीवर करते हैं, और आज तो सब लोगों को पता चल रहा है कि गारंटी तो मोदी साहब की है, तो मोदी गारंटी है तो कुछ भी पॉसिबल है। आपने कहा कि ये कोर इशू था, तभी तो जो प्राण प्रतिष्ठान में नियंत्रण दिए जा रहे हैं, कांग्रेस वाले नहीं आ रहे क्या, कि ये तो कार्यक्रम ही भगवान राम का नहीं है, बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला ना कि उनका 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 माइंडसेट ही वैसे है, बिकॉज उनको कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, तो पहले कौन से वो मंदिरों में आते थे, अगर मैं इन लोगों की बात करूं तो ये पहले भी मंदिरों को कहां आते थे, जितने मंदिर तोड़े गए, जितने मंदिरों के साथ जो जो कुछ भी हुआ, तो इन्होंने कौन से स्टेप्स आज तक उठाए, पूरी की पूरी हिस्ट्री खोल के देख लो व्हाट दे हैव डन फॉर दैट। अगर आज कोई कर रहा है उसको पूरा कर रहे हैं, तो उनको अगर दिक्कत आ रही है, उनको लगता है कि अगर हम लोग वहां पे जाएंगे तो हमारा वोट बैंक को दिक्कत हो जाएगी, मेयरली फॉर देयर वोट बैंक, वो अपने वोट बैंक के चक्कर में कि उनका वोट बैंक कहीं खराब ना हो जाए, हमने वहां पे चले गए और वोट बैंक हमारा खराब है, दैट इज द मेन रीजन दैट दे आर नॉट कमिंग ओवर देयर। रजवाल साहब, लालकृष्ण आडवाणी की बात करें, मुरली मनोहर जोशी की बात करें, विनय कटियार की बात करें, उमा भारती की बात करें, अशोक सिंघल तो खैर रहे नहीं है, इन सबको जो तरजीह दी जानी चाहिए थी प्राण प्रतिष्ठा में, वो तरजीह नहीं मिली। सब लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, सबको इनविटेशन दिया गया है, और आडवाणी जी की तो सेहत अच्छी नहीं थी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज कमिंग जी, वो आ रहे हैं, और इससे ऊपर बात क्या हो सकती है कि आडवाणी जी की सेहत खराब होने के बावजूद भी इज कमिंग ओवर देयर, और बाकी जिनके आप नाम ले रहे हैं सब लोग आ रहे हैं वहां पे, ऐसा नहीं है कि किसी को इग्नोर किया गया है, यहाँ वो करने के तो लॉजिक ही नहीं बनता,
ये तो सब लोगों का योगदान की वजह से ही यहाँ तक पहुँचा है सब कुछ। और आज अडवाणी जी जब वहाँ पर पहुँच रहे हैं तो नथिंग लाइक दैट, तो वो तो आप कह नहीं सकते। कहीं ऐसा तो नहीं आपने बड़े नेताओं को सीढ़ी बनाया और जब आप मुकाम पे पहुंच गए तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो, देखिए 96 के करीब है शहीद अडवाणी जी हमारे जी, 96 और इस एज में उनका तो जिस तरह से उनका वो है स्वास्थ्य है, उसके बावजूद भी वहां पे विशेष तौर पर वो आ रहे हैं, इससे ऊपर और क्या हो सकता है जी। लेकिन क्या आप वाकई में इसको चुनावी मुद्दा नहीं बना रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस वाले तो इसको चुनावी मुद्दा है ही नहीं। चुनावी मुद्दा क्या, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये हमारा मैनिफेस्टो में रहा है और आज वो चीज पूरी हो रही है, तो आप इसको चुनावी मुद्दा कह लो या कुछ भी कह लो, भाई लोगों के दिल में राम है। अब पब्लिक की पब्लिक, लोग अपने घरों पे झंडे लगा रहे हैं, लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, गाने बना रहे हैं नए। मैं आपको बोल रहा हूं कि एक अगर बारामूला की एक मुस्लिम बच्ची अगर वो उसके ऊपर गीत गा सकती है, उसके ऊपर वो बना सकती है, तो एक आम जो हिंदू है उनकी भावनाएं कैसी हैं। तो यू कैनॉट से कि इट्स चुनावी मुद्दा। चुनावी मुद्दा क्या है, मुद्दा है ही है, मुद्दा था ही पहले और उसको पूरा किया है, और हमें गर्व है इस चीज का कि आज हमारे राम जी का मंदिर बन गया। और जिस तरह से आपने तस्वीरें देखी होगी कि जैसे सोने के वो उसके दरवाजे और लग रहे हैं, तो वो तो चार चांद और लग जाते हैं इस मंदिर में। लेकिन आप पर ये आरोप लगता है कि जब जब आपके चुनाव आते हैं आप कोई ना कोई फिल्म जरूर प्रोड्यूस करते हैं। अब आपने नई फिल्म स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मकथा पर आपने बनाई है, मैं अटल हूँ। नहीं नहीं, मैं अटल हूँ की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रोडक्शन हाउस तो है नहीं। अब कोई लोगों को अच्छा लगता है अगर वाजपेयी जी की, मैं तो कहता हूँ बड़ी देर पहले आ जानी चाहिए थी उनकी पिक्चर, लेकिन इलेक्शन अब है 2024 में पहले क्या। वाजपेयी जी को कौन नहीं पसंद करता था, वाजपेयी जी को सब लोग पसंद करते थे। और मैं एक चीज बता दूं विनोद जी की भारतीय जनता पार्टी का प्रोडक्शन हाउस अपना नहीं है, लोगों को अच्छा लगता है वो बनाते हैं, तो चलता है। लालू जी के ऊपर भी तो पिक्चरें बनी जी, तो उस टाइम पे भी बोलना चाहिए था क्योंकि लोगों को पसंद आता था। उस टाइम पर नौटंकी बहुत अच्छी करते थे, लोगों को उनका पार्लियामेंट में भी बोलना जो इस तरह से वो एक नौटंकी करते थे वो भी उस टाइम पे भी अच्छा लगता था, कॉमेडी में भी वो बहुत अच्छे लगते थे, उन पे एक पिक्चर बन गई। और आज अगर उस टाइम पे जो पिक्चर बनी तो ऐसे, अगर वाजपेयी जी तो एक लीजेंड है और उन्होंने तो सारी दुनिया जानती है कि वो कैसी पर्सनैलिटी रहे हैं, उन पे पिक्चर आ रही है, तो वी आर लकी इनफ कि हम लोग भी उसको देखने जाएंगे, परिवार के साथ जाएंगे जी। जब टैक्स माफ हो जाएगा इस फिल्म का तो स्वाभाविक से बात है प्रोड्यूसर को फायदा तो होगा ही। नहीं नहीं, प्रोड्यूसर वो आप फायदा होता है कि देखिए हर पिक्चर को बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ या इसको जोड़ के चलते हैं, ऐसा नहीं है। पहले भी तो पिक्चरें बनती थी, हिंदू सरकार की बात करें तो वो भी पिक्चर बनी, उनको बैन कर दिया गया, उनको ऐसा कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के टाइम में, नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे जो जैसी पिक्चर बनाता है उसके ऊपर कभी भी रोक नहीं लगाई गई, वो रिलीज होती है, लोग देखते हैं। रजवाल सर, 2014 के बाद जब जीत के प्रचंड बहुमत मिला था, जीत के बाद जब पार्टी सरकार में आई, सरकार बनाई, क्या उसके बाद कार्यशैली में कोई बदलाव आया है? पहले तो ये कहा जाता रहा कि ये बनियों की पार्टी है, व्यापारी लोगों की, अब कुछ बदलाव आया है, बाकी सेक्शन को तरजीह मिल रही है? देखिए विनोद जी, मैं आपको एक स्पष्ट तौर पे चीज बता दूं, 2014 के बाद मोदी जी के आने के बाद अगर आप बनियों की पार्टी है आप ऐसा कह सकते हैं, हमने कभी ऐसा ना सुना, कभी आरोप लगते थे, मैं नहीं कह रहा, ऐसा नहीं है जी। ये सब लोगों की पार्टी है, सब लोगों का इसमें योगदान है, इसमें बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपना जीवन इसके लिए निशावर कर दिया। अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो कभी दूर दूर तक कोई सोच नहीं सकता था कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे कभी सरकार बनेगी या सेंटर में कभी बनेगी। और जिस तरह से अगर मैं पूरे के पूरे हमारे राष्ट्रभक्तों की अगर लिस्ट में पूरी बनाना स्टार्ट करूँ तो वो ख़त्म होने में भी टाइम ले लेगी, जितनी यहाँ पर कुर्बानियाँ दी गई हैं। और ये किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का नहीं है, हर वर्ग के लोग यहाँ पे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को एक पर्टिकुलर सेक्शन से ऐसा कहा गया कि जैसे ये अशुद्ध पार्टी है, इसमें एंटर ही नहीं करना, इसमें ये हमारे लिए है ही नहीं है। आज आप देखें कि हर समाज के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर तरह के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो जिस तरह से जनसैलाब बढ़ रहा है,
तो वो दिखाता है कि इसकी इसकी जो आइडियोलॉजी है, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है, लोगों को पसंद आ रही है। और नरेंद्र भाई मोदी जी के जो काम करने की शैली है, अगर आप उसी की बात करते हैं, तो इस बार आपने देखा होगा 2000 जो अभी प्रेजेंट हमारी कैबिनेट है उसमें ओबीसी की अगर बात करें, कभी इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। कितने इनके मंत्री हैं, इतने मंत्री कभी आज तक कभी बने नहीं बने। आप किसी सेक्शन की बात करें, हर सेक्शन को देखते हुए, हर एक सेक्शन को देखते हुए एक ड्यू रिप्रेजेंटेशन है वो भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने सबको देने का प्रयास किया है। और उसी का नतीजा है कि जो इतनी पॉपुलर हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी, और नरेंद्र भाई मोदी जी इतने पॉपुलर हो चुके हैं। लजवाल साहब, आप क्या मूल्यांकन करना चाहेंगे ये जो भारत न्याय यात्रा है और साथ में इंडी अलायंस का, इससे कोई नुकसान होगा 2024 के लोकसभा? बिल्कुल नहीं होगा। मेरे को रेस्ट ऑफ इंडिया को छोड़ते, लेट्स टॉक अबाउट J&K ओनली। पीडीपी, पिछली बार जब इन्होंने अलायंस करने का प्रयास किया था, पीडीपी, कांग्रेस और NC, ये अलायंस करे नहीं करे भारतीय जनता पार्टी को अभी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारतीय हमारा जो वोट शेयरिंग के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन 51% प्लस और 51% से ऊपर कर रहे हैं। अगर पहले तो ये इकट्ठे कभी नहीं होंगे, इनके कैंडिडेट्स अगर कोई किसी ने दे दिया तो वो उसकी टांग खींचेगा, वो उसे खींचेगा, ये आपने पुरानी इलेक्शंस में देख लिया। अगर ऐसा होता तो छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में तो ये तभी तो साथी थे ना, तो इनके इनके उधर उन्होंने क्या कर लिया, अलायंस ने क्या कर दिया। अगर यूपी की बात करते हैं तो अखिलेश अपनी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, अगर ममता की बात कर रहे हैं तो वो अलग से अपनी भाषा करती है, मीटिंग बुलाते हैं तो वहाँ पे जाके वो इशू ही चेंज कर देते हैं, तो कहाँ पे इनका ये होगा। और ये अगर इकट्ठे हो भी जाए तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग फिर भी 51% से ज़्यादा वोट लेंगे और जीत को एक साइड करेंगे। अगर हम जम्मू कश्मीर के प्रस्पेक्ट में देखें तो 51% से ज्यादा वोट कैसे ले सकते हैं, ये मुस्लिम बहुल एरिया। दूसरा, आपने लोगों को नाराज बड़ा किया हुआ है, डेली वेजर आपसे नाराज है, मीटर लगाया है, प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है, क्या आपने नहीं किया, और फिर आप कहते हैं कि 51% वोट लेंगे आप। आज सुबह प्रभात फेरी में देखो, जाके देखो ना प्रभात फेरी में किस तरह से इतनी कड़ाके की ठंड में, जबकि जम्मू का जो टेम्परेचर है वो बिलो जो नॉर्मल से, सर कश्मीर से तो है ही है, बिलो जो नॉर्मल से 10 डिग्री नीचे चल रहा है, और उसके बावजूद भी सुबह जब वो सुबह जब प्रभात फेरी निकल रही है वो सारे, सर उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का कैडर थोड़े ही है उसमें, या भारतीय जनता पार्टी थोड़े करवा रही है वो प्रभात फेरियां, वो लोग अपनी मर्जी से निकल रहे हैं। जम्मू सिटी की बात करें, जम्मू के गांव की बात करें, किधर की बात करें, लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खुश नहीं होते तो सुबह 5 बजे उठ के कोई भी आदमी नारे नहीं लगाता, और वो जनसलाब की तरह जगह जगह पे अब तो रैलीज निकल रही है, कोई रोक थोड़ा रहा है, वो खुद ही लोग अपनी तरफ कर रहे हैं। और 22 तारीख को जिस तरह से दिवाली मनाई जाएगी, वहीं से पता चल जाएगा कि आने वाली इलेक्शंस का क्या रुख रहेगा। लजवाल साहब, ये कहते हैं कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो सुबह प्रभात फेरियां निकाल रहे हैं क्योंकि इनको 2024 तक इसको जिंदा रखना है। हमने तो जिंदा रखा था, इसलिए तो उसको कंप्लीट किया। अगर हम भूल चुके होते कांग्रेस की तरह, देर आर, देखिए विनोद जी, ये इनका कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, एलिगेशंस तो कुछ ना कुछ लगाने हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम कभी भी इस मुद्दे को भूले नहीं थे। अगर हम भूले होते तो आज राम मंदिर का जो निर्माण नहीं हुआ होता, या राम मंदिर वहां पर नहीं बन रहा होता, और 22 तारीख अनाउंस नहीं हुई होती। एक सिंपल सी है, ये हम लोग कभी भूले ही नहीं, ये हमारे ब्लड में रहा और ये इसी के साथ हम लोग बड़े हुए हैं, और इसी के साथ सब लोगों का जो आप जो अटैचमेंट है वो इसी के साथ है, तो हाउ वी कैन से कि हम इसको उसके बाद कैसे भूलेंगे उसको। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के लोग सुबह निकलते हैं, ऐसा नहीं है, अरे भाई साहब, जितनी महिलाएं, जितनी माताएं बहनें, बच्चे बूढ़े, और इतनी ठंड में निकल रहे हैं, और ऊपर से सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि वो कड़ा भी बहुत अच्छा बना रहे हैं सुबह सुबह, और सब लोग खा रहे हैं, तो अगर सब लोग अच्छे अपने मन से बाहर निकल रहे हैं, तो जब कोई अपने मन से निकलता है तो इसका मतलब वो पार्टी के साथ है, पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो आपने इश्यूज की बात कर रहे हैं उन इश्यूज को भी भारतीय जनता पार्टी की बस सरकार बनने दीजिए, वो इश्यूज भी अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। एक स्लोगन बीजेपी का आ रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, व्हाट इज दिस, ये राजनीति नहीं है तो क्या है?
जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये पब्लिक का मन की आवाज़ है, तो उसमें गलत क्या है जी? वो इसमें तो कोई गलत चीज़ नहीं है, मतलब ये तो लोगों के भाव हैं, ये लोगों के मन के विचार हैं जो अभी आ रहे। अभी आप देखिए आगे बहुत कुछ होगा, बहुत सारे और बड़े सारे स्लोगन्स ऐसे आएंगे, और ये लोगों का प्यार है, ये लोगों का नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति प्यार है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्यार है कि ऐसे स्लोगन्स तो निकलते ही हैं अपने लीडर के लिए, जिस आदमी ने इतना बड़ा काम किया है, जिस आदमी ने इतना कुछ हिंदुस्तान के साथ के लिए किया है, हिंदुस्तान को आज कहां से कहां पहुंचाया, आज एक ब्रांड वैल्यू इंडिया की बन चुकी है। आप उनसे बात कीजिए। अभी मैं बता रहा हूँ कि हमारे जम्मू के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता वो यूएसए में थी, अभी यूएसए में गई हैं, तो सविता नांद उनका नाम है, तो उनकी बेटी शायद यूएसए में है, तो वो उन्हीं के पास गई हैं, तो उनका फेसबुक पे मैं देख रहा था एंड आई लव टू सी दैट कि जिस तरह से उधर यूएसए में वहाँ पे उनकी श्री राम जी की रैलीज निकल रही हैं, जिस तरह से आप खोल सकते हैं सविता नंद करके, आप उनका वीडियोस देख सकते हैं, रैलीज और जितनी तादाद में वहां पे लोग जय श्री राम का बोल रहे हैं, तो भाई साहब ये प्यार ही नहीं है तो और क्या है, लोगों के इसके साथ हम सब लोग जुड़े हुए हैं, और वी आर एक्सपेक्टिंग के एक 22 तारीख का दिन बहुत बड़ा दिन, हम सब लोग उसको बड़ी धूमधाम से मनाएंगे, दिवाली से अच्छा हम लोग उसको मनाएंगे, पूरे शहर में लाइटें होंगी, मिठाइयाँ बटेंगी, दिए चलेंगे, सब कुछ होगा, और वी आर एक्सपेक्टिंग के इसको कोई पॉलिटिकली ज़्यादा मत लोग उसको बनाने का प्रयास करें। क्या आप राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी को क्रेडिट देते हैं जिन्होंने पहली बार द्वार खोले थे? नहीं, ऐसा द्वार खोले थे मतलब क्रेडिट नहीं, देखिए उसमें द्वार खोलने की अगर बात करें तो अगर पूरे उसको पूरे का पूरा उसकी सिंक्रोनाइज करने का हम लोग प्रयास करें तो उन्होंने किया, ऐसा कुछ वो नहीं है कि उन्होंने ही किया। कल्याण सिंह जी थे वहाँ पे उस टाइम पे, उसमें चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पे, और राजीव गांधी जी ने उनको श्रेय देने वाला ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ पे और इश्यूज क्या थे और कितना बड़ा उस टाइम पे सिनेरियो क्या उस टाइम पे वहाँ पे बना हुआ था, उसके बावजूद भी हमारे कल्याण सिंह जी का जो योगदान है, जिस तरह से उन्होंने अपनी सरकार को कुर्बान किया राम जी के नाम के ऊपर, तो वो सबके सामने है। रजवा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।